हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आपका स्वागत है सुपर फास्ट वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनी और मार्वल की न्यू अपकमिंग मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे ट्रेलर के डिले होने का रियल रीजन के बारे में, क्योंकि वो कल ही कंफर्म हुआ है कि एक्चुअल में ट्रेलर डिले क्यों हो रहा है और कब रिलीज हो सकता है पॉसिबली। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो सबसे पहले केविन फाइगी ने अभी हाल ही में हॉलीवुड रिपोर्ट में एक कंफर्म चीज कर दी कि ट्रेलर का एक्चुअल में डिले होने का रीजन यही है सोनी कंपनी। सोनी के पास पूरे राइट्स हैं कि वो किस तरीके से स्पाइडरमैन मूवी को रिलीज करेगा, उसकी रिलीजिंग डेट को लेकर, उसके ट्रेलर के अपडेट को लेकर, उसकी मार्केटिंग, उसके कैंपेन को, सब कुछ को लेकर। और केविन फाइगी का बस काम है डील को लेना और मूवी को किस तरीके से रिलीज करना है एमसीयू में। और देन सभी जानते हैं कि जो डिज्नी के प्रेसिडेंट है मार्केटिंग के, ठीक है, असम, उन्होंने अभी हाल ही में सोनी कंपनी के साथ बैठकर बातचीत करी और फाइनली डिसाइड ये हुआ कि एमसीयू की जो टीम है और जो सोनी की टीम है दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, पर कोऑर्डिनेट करेगा सोनी। क्योंकि जो अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी आ रही है उसका जब ट्रेलर रिलीज करना है, उसका जो कैंपेन चलाना है, या उसके जो प्रमोशनल आर्ट्स हैं, जो उसके जो की आर्ट्स हैं, वो सब कोऑर्डिनेट करेगा सोनी कंपनी और रिलीज करेगा मार्वल। जी हाँ, तो फाइनली ये फैसला हुआ है स्पाइडरमैन की मूवी के ट्रेलर को लेकर। तो होपफुली आपको जुलाई तक ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। और देन असम ने जैसा कहा है कि सोनी कोऑर्डिनेट करेगा और मार्वल काम करेगा उनके कहने पर, तो शायद वैसा ही होगा और हमें जुलाई के वीक में या सेकंड वीक तक हमें ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है और जो भी ऑफिशियली कंफर्मेशन आएगी या जो छोटे मोटे अपडेट्स आएंगे मैं आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी पर डाल दूंगा, तो आप मेरे को जाके चेकआउट कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। तो गाइज आज के बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।